दीक्षा, तुम्हारे दोस्त ने अभी साफ साफ बोला है कि मेरे हस्बैंड को तुमने मारा है। यार तू ना आज मुझे समोसा खिला दे, मैं तुझे कल समोसा खिला दूंगा। अबे लेट हो रहा है, वैसे भी बाद में खा लियो समोसे। अबे क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? अबे तुझे लाल बत्ती नहीं दिख रही क्या आगे? ये तो लड़की है। अबे इसी को तो देख के रुकाऊं। पर भाई वो तेरे लिए नहीं रुकने वाली, अभी कोई दूसरा बंदा आएगा, उसे लिफ्ट देगा और वो चली जाएगी। भाई इससे पहले कोई और लिफ्ट दे, तेरा भाई लिफ्ट देगा। अबे अब क्या तू इसे बाइक के हैंडल पर बिठाएगा? नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाला। दोस्त नहीं मेरा तू। अबे भाई पर तुझे भी तो लेट हो रहा है ना। लेकिन लेडीज फर्स्ट। ये अच्छी बात नहीं है भाई, लड़की के चक्कर में दोस्त को भगा रहा है। लिफ्ट चाहिए आपको? मैं लेके चल सकता हूँ। तुम्हारे साथ अभी कोई था ना? हाँ हाँ था, बट मैंने उसे भी लिफ्ट दी थी, उसे वहीं रुकना था इसलिए छोड़ दिया। अच्छा तुम लोगों को ऐसे लिफ्ट देते रहते हो क्या? हाँ हाँ, जरूरतमंदों की मदद तो करनी चाहिए। वैसे आप बताओ आपको कहाँ जाना है? मुझे एक्चुअली ऑफिस जाना है। आप आ जाओ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। थैंक यू। गोरी तू कितनी गोरी है, तू जमीन पे चांद की जोड़ी है। बुरी है बड़ी बुरी है, दुनिया की नियत छुरी है। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। नाइस, ऐसे लोगों की हेल्प करते रहो। वैसे भी दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। कोशिश करता रहूंगा कि सबकी हेल्प हो जाए। बाय। भाई अगर तुझे समोसे नहीं खिलाने थे तो वही बोल देता। हाय, आज फिर से आप यहाँ? ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ। वही उस भाई को आज फिर यहाँ छोड़ने आया था। तुम उनकी रेगुलर ड्यूटी पे लग गए हो क्या? हाँ कह सकती हो, वो डेली मिल जाता है तो उसे लिफ्ट दे देता हूँ, जैसे आज आप मिल गई हो। ठीक है, वैसे अगर तुम चाहो तो मुझे आज भी लिफ्ट दे सकते हो। जरूर। असर ये कैसा तेरी चात का है, मुझ पे हो गया जर्रा जर्रा, मेरे दिल का अब तुझ में ही खो गया रंग जो ला गया। थैंक यू। वैसे कल मैं तुम्हारा नाम पूछना भूल गई, क्या नाम है तुम्हारा? रुस्तम। I am दीक्षा। रंग जो लाग्यो। चलो मैं चलती हूँ। बाय, कल फिर मिलते हैं। पागल। असर ये कैसा तेरी चात का है, मुझ पे हो गया जर्रा जर्रा, मेरे दिल का अब तुझ में ही खो गया रंग जो लाग्यो। हाय। हाय, आज तुम्हारे साथ वो लड़का नहीं आया? हाँ शायद आज उसे ऑटो मिल गया होगा। तुम आओ ना, हम चलते हैं। हाँ पर आज मुझे ऑफिस नहीं जाना। तो फिर? वो मुझे कैफे जाना है। कोई मीटिंग है क्या? हाँ ऐसा ही समझ लो। ठीक है फिर, आओ मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे तुम भी आओ ना साथ में। नहीं नहीं मैं क्या करूँगा, आके तुम्हारी मीटिंग है। अच्छा चलो ठीक है,
बाय बाय। यार 2 दिन से दीक्षा दिख नहीं रही है, क्या करूँ? एक काम करता हूँ, ऑफिस जाके देखता हूँ। एक्सक्यूज मी भाई। यस, वो एक्चुअली यहाँ पे दीक्षा नाम की लड़की जॉब करती थी, वो आ जाइए क्या? ओह दीक्षा, उसने तो कल ही ऑफिस से 10 दिन की छुट्टी ले ली है। आप उसके घर का एड्रेस दे सकते हो क्या? सॉरी, मुझे इतना नहीं पता। हाय रुस्तम। हाय। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस ऐसे किसी का वेट कर रहा था। वैसे रुस्तम देखो ना, मेरी शादी हो गई। कांग्रेस। और तुम्हें पता है सब कुछ ना इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि किसी को बुला ही नहीं पाई, इनफैक्ट तुम्हें भी इनवाइट नहीं कर पाई, सॉरी। हाँ अरे कोई बात नहीं। वैसे रुस्तम अगर तुम आज मुझे ऑफिस ड्रॉप कर दोगे ना तो मैं तुम्हें ट्रीट जरूर दूंगी। हाँ चलो। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। कैसे भुला दूँ उसको दिल से, दिल ही तो तोड़ा है। रुस्तम थैंक यू। और तुम जब कल आओगे ना? मैं कल तुम्हें लिफ्ट नहीं दे पाऊंगा। क्यों? वो ना मेरी जॉब लग गई है तो सुबह मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा। ठीक है कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम ना मुझे अपना नंबर दे दो और जब भी मुझे टाइम मिलेगा ना मैं तुम्हें अपने घर बुलाऊंगी, इनफैक्ट अपने हस्बैंड से ही मिलवाऊंगी और फिर ट्रीट भी दे दूंगी। कोई बात नहीं, फिर कभी मिल लेंगे। ओके ओके बाय, अपना ख्याल रखना, अब शायद ही कभी हम मिल पाए। कोई बात नहीं यार, सब ठीक हो जाएगा। और तुझे थोड़ी पता था कि उसकी शादी हो जाएगी? अब किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। और अब तू ज्यादा मत सोच, लाइफ में आगे बढ़, खुद को बिजी रखेगा तो ज्यादा नहीं सोचेगा। और बिजी से याद आया, तू मेरे ऑफिस में जॉब कर ले, फील्ड जॉब है और तेरे पास बाइक भी है, काम में बिजी रहेगा तो ज्यादा याद नहीं आएगी। हेलो मैम, वो मैं LIC पॉलिसी के लिए आया था। रुस्तम तुम? मैंने बताया था ना ऑफिस तक लिफ्ट, यही रुस्तम है। क्या बात है भाई, तुम तो बहुत अच्छे बंदे लगते हो, सुना है तुम लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हो। मैं तो बस यही रास्ते से गुजरता हूँ, जो मिल जाता है उन्हें थोड़ी बहुत लिफ्ट दे देता हूँ। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे कैफे में, रुस्तम ही मुझे वहां तक लेकर आया था। अच्छा, बहुत बहुत थैंक यू भाई, अगर उस दिन तुम इसे टाइम पे नहीं लेके आते तो शायद मेरी शादी किसी और से हो जाती।
भाई थोड़ा तेज चला रहे ना, जल्दी पहुंचना है मुझे। अबे अब कैसे एरोप्लेन बना दूं, चला तो रहा हूं। अबे ये तो दीक्षा का हस्बैंड लग रहा है ना। हाँ होगा, अपने दोस्त के साथ भागम भाग खेल रहा होगा, तुझे क्या, तू चलना। अबे भागम भाग खेलने वाला बंदा नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़? हाँ चल देखते हैं। हौसला रखो दीक्षा, अब जाने वाले को कौन रोक सकता है। पर रुस्तम, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था। अच्छा रो मत, ये बताओ पुलिस ने कुछ बताया ये सब कैसे हुआ था। पुलिस ने कुछ भी नहीं बताया, पर हाँ। पर क्या? भगवान उसे कभी खुश नहीं रखेगा जिसने मेरी खुशियां छीन ली है। मत रो यार, अब रोने से सब ठीक थोड़ी ना हो जाएगा। और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रिया रख लो, दोस्त समझ के रख लो, आखिर मैं ऐसे टाइम पे काम नहीं आऊंगा तो कौन आएगा। पर रुस्तम, मैं तुमसे ही पैसे कैसे ले सकती हूँ। तुम मुझे दोस्त मानती हो ना, क्या एक दोस्त का इतना भी हक नहीं वो अपने दोस्त की मदद कर सके। बट रुस्तम। बट वट कुछ नहीं, अगर तुम मुझे दोस्त मानती हो ना तो पैसे रख लो, वरना कोई बात नहीं। तुम यहाँ? हाँ वो बस यहाँ से जा रहा था तो तुम्हें देखा। वैसे चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी। अरे मैं उसी साइड जा रहा हूँ, आओ। अरे तुम सोचती बहुत हो, चलो। चलो बाय। अरे अब यहाँ तक आए हो तो अंदर भी चलो ना, चाय पीकर जाना। नहीं फिर कभी। रहने दो, तुम्हारा ये फिर कभी ना कभी नहीं आएगा। चलो। वैसे दीक्षा तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? वैसे भी किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। मुझ विधवा से कौन शादी करेगा, अब तो पूरी लाइफ मुझे ऐसी बितानी पड़ेगी। ऐसा मत सोचो, कोई है जो तुमसे बहुत प्यार करता है। अच्छा कौन है वो? है कोई, वक्त आने पे पता लग जाएगा। अच्छा चलो मैं चलता हूँ, काफी टाइम हो गया। और हाँ अपना ख्याल रखना, और किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बता देना। कहाँ गायब है भाई इतने दिनों से, आजकल दिख नहीं रहा। कुछ नहीं भाई, तुझे तो पता है दीक्षा के साथ क्या हुआ, बस उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूँ जितना मेरे से हो पाता है। सही है भाई, अब तेरे पास यही मौका है अपने प्यार को पाने का। अब जो हो गया सो हो गया, तूने गलती की है तो उसकी भरपाई तुझे करनी पड़ेगी ना। और किसी को पता थोड़ी था कि दीक्षा का हस्बैंड तेरे हाथों मरेगा। दीक्षा
तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। दीक्षा, क्या सच नहीं है? तुम्हारे दोस्त ने अभी साफ साफ बोला है कि मेरे हस्बैंड को तुमने मारा है। रुस्तम अगर कोई और बोलता ना तो शायद मैं विश्वास नहीं करती, पर मैंने अपने कानों से सुना है। दीक्षा तुम गलत समझ रही हो, जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। बस जो समझना था ना समझ चुकी हूँ। तुम्हारी बाइक की चाबी मेरे पति के हाथों में मिली थी जब मैं पुलिस स्टेशन गई थी, पर मैंने सोचा सेम चाबी भी तो हो सकती है, पर वो तुम ही थे जिसने मेरे पति को मारा। तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए तुमने ये सब किया ना। पर एक बात बोलूं, जिससे हम प्यार करते हैं ना उसकी खुशी में ही हमारी खुशी होती है, पर अफसोस तुम जैसा इंसान ना कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता। और आज की बात ना कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वो आपके कुछ साइन चाहिए थे पेपर्स पे आपके पति के इन्वेस्टिगेशन के लिए। इन्वेस्टिगेशन? किस चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आप लोग? खूनी तो अभी भी बाहर घूम रहा है ना। खूनी? कौन है खूनी? सर वो रुस्तम। और सर ये चाबी उस बात का सबूत है कि उसने ही मेरे पति को मारा है। सर उसका दोस्त बता रहा था और मैंने अपने कानों से सुना है। लेकिन सर अगर आप उसे अरेस्ट नहीं करेंगे ना तो एक ना एक दिन मैं उसे मार डालूंगी। देखिए आप गलत समझ रही हैं, आप जिसे खूनी समझ रही हैं वो असल में खूनी नहीं है। आदमी अगर शांति से मर जाए तो उसकी आने वाली पीढ़ी सर उठाकर जी सकती है, पर जिसके मरने पर शोर होता है उसके आने वाली पीढ़ियां इज्जत के लिए तड़पती हैं। और हाँ, रुस्तम ने अगर तुम्हारे पति को मारा है तो उससे तुम और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी सर उठा के जी सकती है। पर आप कहना क्या चाहते हैं? अब कहाँ जाएगा भाग के? तुझे क्या लगता है ऑफिसर मैं तुझसे डर के भाग रहा था? मैं तुझे यहां लेके आया हूं ताकि तुझे मारते हुए मुझे कोई देख ना सके। सोच ले, अगर मैं सही सलामत वापस नहीं गया ना तो मेरी टीम के लोग तुझे एक्सपोज कर देंगे और फिर पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि तू ड्रग्स और बहुत सारे गैर कानूनी काम करता है। आज तू मरेगा और कल तेरे सारे टीम मेंबर्स भी मरेंगे। तू? हाँ मैं। और मैंने कभी सोचा नहीं था तू इतना घटिया इंसान निकलेगा। शिट, आज तो एक साथ दो जाने देनी पड़ेंगी। डरो मत, मैं खुद एक पुलिस वाला हूँ और एक स्मगलर है जिसको पुलिस की बहुत दिन से तलाश थी। मैं संभाल लूंगा। मैंने आपकी जान बचाई, क्या आप मेरी एक बात मानोगे? हाँ क्यों नहीं। प्लीज आप किसी को पता मत चलने देना ये एक क्रिमिनल था। पर क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ इस क्रिमिनल के बारे में किसी को पता ना चले। इसकी वाइफ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, अगर उसे पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, तुम जाओ मैं संभालूंगा। देखिए रुस्तम ने जो कुछ भी किया जाने अनजाने में किया, पर इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने आपके बारे में सोचा। अगर मैं चाहता तो आपके पति के केस में मेडल भी ले सकता था और इज्जत भी, पर उसने आपको भी बचाया और आपकी इज्जत को भी। दीक्षा तुम
आज लिफ्ट नहीं दोगे? दीक्षा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा मैंने कुछ नहीं किया। रुस्तम, मुझे सब पता चल गया है, पुलिस वाले ने मुझे सब कुछ बता दिया है, और तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता ना तो वो भी यही करता। आप चले। मुझको इतना बताए कोई। रुस्तम, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है उसकी खाली तिजोरियां। सो हे गाइस, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और वीडियो यार काफ़ी दिनों बाद आई है क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, अब वीडियो जल्दी जल्दी आएगी, तो बहुत सारा प्यार देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जल्दी मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक बाय, लव यू ऑल।